मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन हमने अभी की कि ये मान लो कंटेनर जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल बिल्कुल नीचे है इट इज सराउंडेड बाय अदर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड नेट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू जीरो। पर जो मॉलिक्यूल रेंज में लाई करते हैं, रेंज मॉलिक्यूलर रेंज का मतलब है, या फिल्म में लाई करते हैं, फिल्म का मतलब है टॉप मोस्ट मॉलिक्यूल्स। टॉप के मॉलिक्यूल्स की प्रॉब्लम क्या है कि इसको एयर के पार्टिकल भी खींच रहे हैं और पानी भी खींच रहे हैं, और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा फोर्स से खींचेंगे तो ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, वो यही कह रहा है नेट फोर्स ए पार्टिकल के ऊपर तो देखो जीरो है, जो बी पार्टिकल है वो मोर डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो ड्यू टू दिस डाउनवर्ड फोर्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सरफेस फिल्म इज हायर देन दोज लाइंग वेल इनसाइड द लिक्विड। वो कह रहा है कि ऐसा होगा कि जो फोर्स है वो नीचे की तरफ है और ये मॉलिक्यूल्स कहाँ आएंगे, ऊपर वाले नीचे आएंगे। जब मॉलिक्यूल्स ऊपर के नीचे आते हैं तो वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करेंगे ताकि वो स्टेबल हो जाएं। आप इलेक्ट्रॉन में भी ऐसे करते हो, इलेक्ट्रॉन ऊपर से शेल से नीचे शेल में आता है ताकि अपने आप को स्टेबल कर सके और पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम कर सके। ऐसे ही है, ये नीचे क्यों आ रहा है, ताकि ये अपनी एनर्जी को मिनिमाइज कर सके और स्टेबल हो सके। ये लिखा हुआ है इसमें, ताकि ये स्टेबल हो सके और पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। तो इसका मतलब जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी नीचे के मॉलिक्यूल से ज़्यादा थी, तो वो नीचे आ रहे हैं ताकि अपनी एनर्जी को कम कर सकें और स्टेबल हो सके। तो यही इससे बताया हुआ है। और इस चक्कर में जो सरफेस है इट एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी वो सेम एक्सप्लेनेशन है, राइट?